अरे भैया, मैडम के कंधों पर इतना काम सौंप दिया गया कि मैडम के कंधों में दर्द तक होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि मैडम ने तो थाने के अंदर ही मसाज करवानी भी शुरू कर दी। देखो, जाहिर सी बात है भैया, ज्यादा काम दोगे और ऊपर से छुट्टी नहीं दोगे तो इंसान क्या करेगा? यही तो करेगा जो मैडम थाने के अंदर करवा रही हैं। लेकिन मैडम के साथ वाले भी बड़े चतुर निकले, जिन्होंने मैडम का वीडियो ना सिर्फ बना डाला बल्कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर डाला, ताकि मैडम की ये करतूत सबको पता चल जाए कि मैडम कितनी परेशान है और उनके कंधों पर कितना दर्द है और कितना काम सौंपा गया है। ये वायरल वीडियो कासगंज के महिला थाने का बताया जा रहा है, जिसमें महिला थाना अध्यक्ष मनीता सिंह के कंधों को महिला सिपाही दबाते हुए नजर आ रही है और थाने के अंदर हो रही इस मसाज का वीडियो थाने के अंदर ही बैठे किसी शख्स ने बना डाला बल्कि उसे वायरल भी कर दिया, जिसके बाद लोगों ने ना सिर्फ वीडियो के मजे लेने शुरू कर दिए बल्कि मैडम पर एक्शन की भी डिमांड होने लगी। वही मामला एसपी साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने सीओ को मामले की जांच करने के निर्देश जारी कर दिए, साथ ही महिला अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी किया गया है। यूपी पुलिस के जवानों ने मानो खाकी को बदनाम करने की कसम सिखा ली है। दरअसल अभी हाल ही में हरदोई से एक वीडियो सामने आया था, जहां दरोगा साहब खुलेआम शराब पी रहे थे और अब मैडम थाने के अंदर ही मसाज करवा रही हैं, लेकिन इन लोगों के चक्कर में खाकी को बदनामी भी अब झेलनी पड़ रही है। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।